वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज है संडे और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 6:25। क्योंकि जो है आप लोग सोचेंगे तो सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ रेडी होके, तो हम लोग आज संडे है तो मेरा भाई हम लोगों को लेके जा रहा है आज यहाँ से बाराबंकी के पास है महादेवा मंदिर है, वो शंकर जी का बहुत फेमस मंदिर है। जो लोग इधर के रहने वाले हैं वो लोग जानते होंगे कि उस मंदिर की बहुत मान्यता है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो फ्रेंड्स, मैं शादी से पहले उस मंदिर में गई थी, तब से जाना ही नहीं हो पाया। पिछले साल भी मेरा भाई गया था लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, तो इस बार हम सब लोग भी जा रहे हैं, मतलब हम और आन्या सिर्फ जा रहे हैं और मेरा भाई, मम्मी और एक मेरे आंटी अंकल है, वो लोग जा रहे हैं, तो साथ में जा रही हूँ मैं। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस भाई का जैसे ही फ़ोन आएगा तुरंत निकल लेंगे, तो फिर आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा वो मंदिर है, बहुत वहाँ की मान्यता है और इधर के जो लोग वो लोग तो जानते होंगे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नाम है उस मंदिर का महादेवा। और मैं एक बात और बताऊँ कि जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने जो गाड़ी बुक कराई थी वो महादेवा के नाम से, और गाड़ी वाले ने देवा सुन लिया था तो उसने हम लोग को देवा शरीफ पहुँचा दिया था। तो फिर हम लोगों ने फिर वहाँ भी दर्शन किए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम क्या सब एक मंदिर और मस्जिद सब तो एक ही चीज़ है। तो पहले हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए, फिर उसके बाद में मतलब जो मज़ा आ रहा है वहाँ पे, फिर उसके बाद में हम लोग महादेवा गए। तो इस बार भी वही चीज़, लेकिन भाई को तो पता है लेकिन वही याद आ गया सुबह सुबह एकदम से कि हम लोग उससे महादेवा बोल के बुक करे गाड़ी और उसने देवा शरीफ ले जाके पहुँचा दिया था हम लोगों को। तो बहुत अच्छा ही बहुत लगा कि वहाँ जब पहुँचे सब लोग तो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या, हम लोग तो देवा महादेवा के लिए गाड़ी बुक कराए थे। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अच्छा आप लोग यहाँ भी देख, हम लोग ने कहा आए हैं यहाँ पे तो यहाँ से वापस ऐसे नहीं जाएंगे और यहाँ भी हम लोग हो लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पहले मजार पे गए, फिर उसके बाद हम लोग महादेवा गए थे। तो आज मैं वहीं पे जा रही हूँ और पूरे 11 साल बाद मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो आन्या तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, आन्या फर्स्ट टाइम जा रही है और सुबह से बिल्कुल रेडी हो गई है मेरे साथ। और आन्या ने बनवाई है अपने लिए माइक्रोनी, क्योंकि एक घंटे का रास्ता है, फिर उधर से पूजा वूजा करके लौटने में टाइम लगेगा, तो इन्होंने कहा मम्मा माइक्रोनी बना लो ले चलने के लिए, तो वो बना लिया है। और बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं, तो आपको भी ले चलते हैं उस मंदिर में और जितना मैं हो सकेगा दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल लिए हैं और गाड़ी में बैठे हैं हम, मम्मी आंटी और आन्या पीछे बैठे हुए हैं, अंकल जी आगे बैठे हुए हैं। और ये देखिए हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, इतना अच्छा मौसम हो रखा था तो हम लोगों ने गाड़ी के शीशे खोल दिए और ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग आगे थोड़ा निकल गए, अब ये बाराबंकी आ चुका है। ये वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ग्रीनरी थी तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा था। मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया था तो और अच्छा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। और ये देखिए अब हम लोग बाराबंकी के अंदर एंट्री कर चुके हैं और बाराबंकी से आगे ये रामनगर में लगता है ये मंदिर, तो बाराबंकी से थोड़ी दूरी पे है। और ये देखिए ये कितने ग्रीन ग्रीन से खेत वगैरह भी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हर तरफ ग्रीनरी हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैप्चर किया है कि आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये टोल प्लाज़ा आने वाला है तो वहीं पे अभी हम लोग 2 मिनट के लिए रुकेंगे, पर्ची जो कटवानी होती है जाने आने की, दोनों की एक साथ कटवानी थी। तो ये है टोल प्लाज़ा और उसके बाद फिर अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर। तो ये देखिए मंदिर अब आ गए हैं गाड़ी खड़ी करके और अब हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर का गेट है और ये आज संडे है तो इतने पास में गाड़ी खड़ी करी, अगर कल हम लोग जाते तो बहुत दूर गाड़ी रुकवा देते और उसके बाद वहाँ से लाइन लग जाती, पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन आज तो संडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस अंदर ही थोड़ी भीड़ थी मंदिर में। और ये मम्मी आंटी सब लोग चल रहे हैं, ये मंदिर का मेन गेट है, उसके बाद थोड़ा सा चल के बस उसके बाद मंदिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दुकानें वगैरह सब लगने लगती हैं अंदर। तो ये देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ फिर नहीं गाड़ी लाने देते हैं, बाहर रोक देते गाड़ी। और ये देखिए कल की तैयारी हो रही, बल्ली वगैरह जो लगी है कल के लिए लग रही हैं और कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, नहीं मंदिर के अंदर अभी नहीं आए हैं, अभी ये रोड पे ही चल रहे हैं सॉरी। तो ये दुकानें मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रसाद की दुकानें और ये जो मेला में मतलब जो सामान मिलता है वो सब दुकानें, खिलौने और प्रसाद का सामान, ये सब की दुकानें लग गई थी। और 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे, सुबह 8 बजे का टाइम है, लेकिन देखिए सारी दुकानें सजी हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि सावन भर वहाँ पे मेला चलता है। तो ये सारी दुकानें सज चुकी हैं सुबह से ही और बस उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे गेट है तो वहाँ से मंदिर का गेट स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब आपको दिखाने की कोशिश करी है वहाँ का। ये देखिए कैसे प्रसाद की दुकानें सब लगी हुई हैं और बड़ा अच्छा बहुत लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे धूप निकल आई, यहाँ जब हम लोग पहुँचे
तो धूप निकल आई थी। ये अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे ये प्रसाद मिलता है। ये मेरा भाई, छोटा भाई है, और ये आप लोगों से हाय बोल रहा है। और ये अंकल जी, आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी कि बहुत शोर हो रहा था वहाँ पे। और ये आंटी और ये मेरी मम्मी, और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे बैठते हैं। तो ये लोटा भी आपको देंगे, प्रसाद देंगे प्लेट में रख के, और दूध के पैकेट भी बिक रहे थे, लेकिन हम लोग दूध तो घर से लेके आए थे, बस ये फूल वगैरह हम लोगों ने खरीदा था यहाँ पे, बेलपत्र फूल वगैरह खरीद लिए थे। तो बस अब हम लोग यहाँ से लेंगे, सब बुला रहे थे, फिर हम लोग सबसे लास्ट में लिए, वहीं पे हम लोगों ने चप्पल उतार दी थी और उसके बाद प्रसाद लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से लोग सजाए रहते हैं और धतूरा बेलपत्र फूल सब रख के देते हैं, फिर पैसा इनको लौट के आके देना होता है। तो मैं तो लोटा घर से लेके गई थी कि मैंने नहीं लिया था वहाँ पर, मुझे दर्शन कर चुके हैं, जल वगैरह चढ़ता कुछ वहाँ पर, फेस स्किन पे लगा लो तो बोलते हैं कि अच्छा रहता है। तो और ये मैं मंदिर के पीछे का गेट दिखा रही हूँ, फिर भाई ने अंदर ले जाके थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट करने की कोशिश की है, क्योंकि भीड़ थी तो वहाँ तो मैं नहीं निकाली थी कैमरा, लेकिन देखिए भाई ने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट किया है कि आप लोग देख लें। ये बिल्कुल नीचे शिवलिंग है बहुत छोटा सा, और वहीं पर सब लोग पूजा कर रहे थे, तो थोड़ा और अंधेरा था तो थोड़ा कोशिश की है कि आप लोगों को दिखाएँ हम। उसके बाद थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की मंदिर को, इधर इधर ला, इधर मत करिए, सारे छोटे से और भी मंदिर हैं जिनमें सब में जल चढ़ाना होता है, तो मैंने सब में जल चढ़ा दिया। ये इधर भी शिव जी का ही है। और अब हम लोग जा रहे हैं सेल्फी खिंचवाने, फोटो तो चलिए फोटो ले लेते हैं, फिर मंदिर के बाहर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से, बार बार बस अब निकल रहे हैं। हम लोग कहाँ से प्रसाद लिया था उसको पैसे देने थे, दे दिए हैं, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ये आने को बहुत ही भूख लगी थी, तो हम लोग ने सोचा था किसी होटल पे बैठ के चाय पियेंगे, लेकिन वहाँ पे भीड़ थी तो अभी आगे हम लोग रुकेंगे, तब तक हम लोगों ने भुट्टा लिया रास्ते में और अन्य माइक्रोनी खा रही हैं। और ये देखिए अब हम लोग एक होटल पे रुके, वहाँ पे हम लोग ने चाय पकौड़ी, और ये मेरा भाई खा रहा है माइक्रोनी, तो हम लोग चाय पकौड़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सबको भूख लगी थी, चाय पीने का मन कर रहा था। सुबह सब लोग ऐसे ही निकले थे बिना चाय पिए, और ये अंकल जी खड़े हैं, ये अब हम लोग पकौड़ी खा के फिर अब हम लोग ये चाय पी रहे हैं, उसके बाद बस फिर हम लोग घर के लिए निकल लिए। मैं वापस आ गई हूँ मंदिर से, और आ गए थे हम लोग 11:30 पे आ गए थे। थोड़ी देर मम्मी के घर में रुके क्योंकि सबका प्रसाद एक ही में था, वो तो वो निकाल के दिया मैंने मम्मी को, फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए और अब जा रही है टीका छुड़ा देंगे। आने ने तो वहीं पे छुड़ा दिया क्योंकि जब ये लगाया तो गीला था, फिर उसके बाद कड़ा कड़ा हो गया तो उसको अजीब सा लगा था, तो उसने वहीं पे छुड़ा दिया था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं छुड़ाया, अब घर पे छुड़ा देंगे। छुड़ा के मतलब अपने आप ही भी छूट जाएगा, खाना वाना बनाऊंगी, तो क्योंकि सुबह 6 बजे निकल गए थे तो कुछ बनाया नहीं था, और अब जा रही हूँ कुछ मतलब अभी थोड़ा सा चाय वाय पी के, फिर उसके बाद चाय हम लोगों ने रास्ते में पी थी, चाय और पकौड़ी खाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, और पहले तो बहुत भीड़ हो गई तो मैं आप लोगों को वहाँ पे नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर उसके बाद मेरा भाई बाद में गया तो उसने थोड़ा सा शूट किया है, तो वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत मानता है यहाँ की, बताते हैं ये शिवलिंग अपने आप वहाँ पर निकला था, तो काफ़ी मानता है, और बहुत दूर दूर से कांवरिए आते हैं वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। तो कल सोमवार है, कल वहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि उसकी तैयारी आज से ही चल रही है, कल तो मतलब वहाँ पे दर्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत भीड़ होगी। और आज भी थोड़ी थी, मंदिर के अंदर थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी आराम से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को भी मैंने दिखाया। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी है और ये आन्या, हम लोगों ने बाहर उसके बाद में पिक्स खिंचवाई थी, और ये मेरा भाई आन्या और मैं, और ये सब लोग एक साथ खड़े होके आंटी अंकल और मम्मी, हम सब लोग खड़े हैं।
ये मैं और आन्या जब हम लोग पूजा करके निकले उसके बाद खिंचवाई थी बाहर मंदिर के, और ये है मेरा छोटा सा भाई आन्या के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आए। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।